नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। भारतीय जनजीवन की गति, प्रगति और विकास की धुरी देश के प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करती है। कृषि और पशुपालन हमारी ग्रामीण संस्कृति का अटूट हिस्सा है। पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों में हवा, मिट्टी, पानी, खनिज, ईंधन, पौधे और जानवर शामिल हैं। जीवन की निरंतरता प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन और संरक्षण पर निर्भर करती है, और इसी अवधारणा को साकार करने छत्तीसगढ़ की नई सरकार ने गढ़वो नवा छत्तीसगढ़ के संकल्प के साथ प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यमान संसाधनों के समुचित संरक्षण एवं सदुपयोग के वास्ते सुराजी गांव योजना का शुभारंभ करते हुए छत्तीसगढ़ के चार चिन्हारी नरवा, गरवा, गुरबा, बाड़ी ऐसा ऐलान बचा दिया है। आपको बता दें कि ये जो योजना है, इस योजना और ये जो नारा है, इससे ही मध्य प्रदेश की सरकार छत्तीसगढ़ की तकदीर बदलना चाहती है, और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे सुराजी से चमकेंगे गांव पर। तो प्रदेश की सरकार जुलाई से अपनी महत्वाकांक्षी सुराजी गांव योजना शुरू करने जा रही है। इसके तहत गांव के नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़े को मजबूत करने का प्रावधान है। अगर ये योजना कामयाब हो गई तो सिर्फ गांव की तस्वीर बदल जाएगी, बल्कि मौजूदा समय की कई बुनियादी समस्याओं का समाधान भी हो सकता है। ये एक गेम चेंजर साबित हो सकती है, और इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। दिल्ली और मुंबई के बाद रायपुर जैसे शहर में भीड़ बेकाबू होती जा रही है, क्योंकि लगातार लोग गांव छोड़कर शहर आ रहे हैं। पानी की समस्या विकराल होती जा रही है, क्योंकि जंगल के साथ पानी के नैसर्गिक प्रबंधन को तबाह कर दिया गया है। असंचारित रोगों की संख्या खतरनाक तरीके से देश में बढ़ रही है। किडनी, कैंसर जैसी बीमारियाँ रासायनिक खाद और कीटनाशकों के इस्तेमाल से खतरनाक स्तर पर जा चुकी है। लोग जैविक सब्जियां और अन्न खाने के लिए खोज रहे हैं। गांव और शहर में आवारा पशुओं की समस्या बढ़ती जा रही है, जिससे दुर्घटना भी हो रही है। ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान भूपेश सरकार की नरवा, गुरवा, घुरवा, बाड़ी नाम की योजना में है, बशर्ते ये योजना इसे बनाने वाले रणनीतिकारों के मन माफिक तरीके से लागू हो या परिणाम दे। इस बात को भांपते हुए सरकार लगातार इस योजना को लोगों तक पहुंचाने के लिए ट्रेनिंग का कार्यक्रम रखे हुए हैं। बहुत बढ़िया गौठान यहाँ बना है, जिसमें पानी की व्यवस्था है, सोलर पंप भी लगाया गया है, बाड़ी भी किया जा रहा है, जिसमें सब्जियां भी, फल भी और चारा का भी उत्पादन हो रहा है। यहाँ मवेशी रखने लगे हैं लोग, और इससे एक यहाँ के लोग बड़े जागरूक हैं और सब अपने हिसाब से सारे प्रबंधन कर रहे हैं। गोबर से जहाँ कंपोस्ट और गोबर से न केवल ये गोबर गैस प्लांट लगा रहे हैं, बल्कि गोबर से खाद भी बना रहे हैं, वर्मी खाद है, कंपोस्ट खाद। उसके अलावा धूप बत्ती और उपटन भी बनाने का काम यहाँ के लोगों ने किया है। मैं यहाँ के बिहान के बहनों को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। यहाँ समिति बहुत बढ़िया से काम कर रही है। जिले के प्रोग्रेस को लेकर क्या कहेंगे आज के संतुष्ट हैं आप? जिले के प्रोग्रेस, देखिए संतोष कभी नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए संतोष, क्योंकि यदि संतुष्ट हो जाएंगे तो विकास रुक जाएगा। लगातार विकास की गति निरंतर चलती रहती है और हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। जैसे किसानों को ऋण माफी किए, किसानों को 25 रुपये क्विंटल धान खरीदी किए, और उसी प्रकार से अब छत्तीसगढ़ के चार चिन्हारी नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी एला बचाना है संगवारी, तो ये जो हम लोग नारा दिए थे उसके उस दिशा में नाला के भी प्रबंधन कर रहे हैं और मवेशी भी प्रबंधन। गांधी की सोच थी कि गांवों को स्वावलंबी बनाया जाए, जिसके जरिए विकास किया जाए, लेकिन गांधी के सोच की बजाय आजाद भारत में मुख्य रूप से बड़े उद्योग के जरिए विकास का रास्ता चुना गया। गांधी के विकास का मॉडल नेहरू के विकास मॉडल के साथ चलता रहा, लेकिन वो कभी विकास का मुख्य मॉडल नहीं बन पाया। ऐसा पहली बार हो रहा है कि कहीं पर विकास के मॉडल में केंद्र में गांव है। भूपेश सरकार ने आते ही गांवों के विकास के लिए किसानों को ज्यादा पैसे देने के साथ नरवा, गुरवा, घुरवा, बाड़ी को सामने रखा। आइए समझ लें कि नरवा, घुरवा, गुरवा और बाड़ी में चारों शब्द के मायने क्या है।
ये चारों शब्द छत्तीसगढ़ी भाषा के हैं। नरवा मतलब नाले। स्कीम में नरवा के तहत नालों के प्रबंधन का काम करना है। वो नाले जिनसे मिलकर नदियों का निर्माण होता है, नालों के पानी का संरक्षण बिना बहाव को बाधित किए करना है। गरुआ का मतलब गाय। गायों की समस्या के निदान के लिए गौठान बनाकर उसे मवेशियों के लिए डे केयर सेंटर के रूप में विकसित करना। घुरवा मतलब वो जगह जहां कचरा जमा होता है। गौठान और घुरवा में जैविक खाद का प्रबंधन किया जाएगा। बारी यानी बारी में जैविक सब्जियों का उत्पादन करना। जैविक सब्जियों के लिए जैविक खाद गौठान में होना है। ये योजना कागजों में अच्छी बनी है। बराबर विषय के जानकारों की मदद से बारीक नजर रखी जा रही है। मुख्यमंत्री जहां भी जा रहे हैं गौठान का निर्माण देख रहे हैं, लेकिन बड़ा वही है कि कागज से निकलकर योजना जमीन पर कैसे उतर रही है और जमीन पर आने वाली व्यवहारिक दिक्कतों से निपटने के लिए सरकार कितनी मुस्तैद है। रुपेश गुप्ता, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए रायपुर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सलाहकार प्रदीप शर्मा जी, और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ संपादक हमारे साथ मौजूद हैं मनोज सिंह बघेल। मनोज जी, मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि जैसे कि ये जो नरवा गरबा गुरबा बाड़ी योजना है, जिस तरह से ये लागू की जा रही है, उससे क्या छत्तीसगढ़ के गांवों की तकदीर बदलेगी, ये जानने की कोशिश करूंगा मैं आपसे। और साथ ही साथ प्रदीप शर्मा जी से भी आप जानने की कोशिश कीजिएगा कि किस तरह से इसमें जो गाँव है छत्तीसगढ़ में बदलाव आएगा। बिल्कुल, जो कॉन्सेप्ट है इस योजना की, नरवा गरुआ घुरवा और बारी, कॉन्सेप्ट यही है कि जिस तरह से ग्रामीण विकास होना चाहिए, खासतौर पे छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट जो कि जहां पर अधिकांश जनसंख्या गांवों में निवास करती है, और जिस तरह से पिछले कुछ सालों में देखें छत्तीसगढ़ बनने के बाद तेजी से लोग शहरों की ओर भाग रहे हैं, क्योंकि गाँव में जो बुनियादी अर्थव्यवस्था थी उस अर्थव्यवस्था में कहीं न कहीं अभी संकट की स्थिति है। लोग जो है वहाँ पे प्रॉपर सेटल नहीं हो पा रहे हैं और इसलिए वो शहरों की ओर आकर्षित हो रहे हैं, जबकि सरकार का ये मानना है कि गांव में ही यदि जो बुनियादी ढांचा है, जो प्राचीन काल से जो एक सिस्टम बना हुआ था, और वो सिस्टम के ध्वस्त होने के कारण ही लोग जो है वो शहरों की ओर भाग रहे हैं, और इससे दोनों जगह समस्या हो रही, शहरों में भी समस्या हो रही, गांव में भी समस्या हो रही। तो जब कांग्रेस सरकार आई तो उसने अपने घोषणा पत्र में ही इस योजना का जिक्र किया था कि गांव में जो छत्तीसगढ़ की चार चिन्हारी जो कि परंपरागत रूप से माना जाता है, नरवा माने नाला, गरुआ मतलब जो गौधन है, पशु है वो, और गुरुआ मतलब जो खाद बनाने का जो पारंपरिक एक जो सिस्टम होता है वो, और बाड़ी, बाड़ी जहाँ पे घरों के पीछे जो बाड़ी होता है जहाँ पे साग सब्जियों का उत्पादन होता है। तो ये इस परियोजना पर सरकार ने शपथ लेते ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस पर काम करना शुरू किया है, और ये ड्रीम प्रोजेक्ट है सरकार का, और इसके तहत छत्तीसगढ़ में पूरे जो ग्रामीण परिवेश है उसको बदलना चाहती है। इससे न केवल अर्थव्यवस्था में, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार होगा, बल्कि वहाँ की जो बुनियादी समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान होगा। इन्हीं तमाम विषयों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मुख्यमंत्री के सलाहकार और आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ हैं प्रदीप शर्मा जी। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे जानना चाहेंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में, मोटे तौर पे नरवा गरुआ घुरवा और बाड़ी, तो किस तरह से ये चारों का समन्वय बना के किस तरह से काम शुरू किया फिलहाल आप लोगों ने? देखिए, हम लोगों ने जब सरकार नहीं आई तो हम लोगों ने सबसे पहले ये तय किया कि जो कुछ भी आज तक विकास हुआ है वो विकास किस तरह का है। ये जो विकास था फ्लाईओवर का, ये विकास जो सिक्स लेन हाईवे का, ये सारे विकास बहुत अच्छे हैं, होने चाहिए। स्मार्ट सिटी का ये भी होना चाहिए, लेकिन ये गांव की कीमत पे नहीं होना चाहिए। एक स्मार्ट शहर बनता है, आसपास के पांच गांव का पानी निकल लेता है। एक फ्लाईओवर जाता है तो आसपास के 20 गांव के मजदूर जो है उस गांव से बाहर चले जाते हैं। तो एक इस तरह का जो विकास जिसमें हम लोग 5000 साल की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को बुरी तरह ध्वस्त करने वाली है, वो तो नहीं चलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो गांव है हमारे वो छत्तीसगढ़ की चिनारी है,
और गांव के भीतर भी क्या चीजें हैं, गांव के भीतर का नाला, गांव के भीतर के गाय, गांव के भीतर की सब्जियां, हरे भरे खेत, गांव के कंपोस्ट, गांव का दूध, आप गांव को और कैसे याद करते हैं? तो मुझे लगा कि इस लाइन पे कुछ सोचा जाना चाहिए। फिर बहुत लंबे समय तक हम लोग आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ बातचीत कर रहे थे, अलग अलग जो सेक्टर में काम करने वाले थे। मुख्यमंत्री जी की खासियत यह है कि उन्होंने अपने जीवन का बहुत लंबा समय गांव में गुजारा, बचपन गुजरा, तो ये सब चीजें एक साथ जब सामने आई तो ये एक नई परियोजना का, एक नए विचार का जन्म हुआ, नरवा गरवा गुरवा बारी का। नरवा गरवा गुरवा बारी का खासियत की खासियत ये है कि उससे गांव का अपना जो एक आत्मबोध है कि मैं गांव का हूँ, और एक जो मैं जिस गुरवे में काम कर रहा हूँ बहुत वैज्ञानिक चीज है, ये बहुत प्रामाणिक चीज है, ये चीजें धीरे 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 जो है उसको लगने लगा। आज आप देखिए 1904 गांव में गौठान बन गए हैं, बाड़ी में 75,000 पुरानी बाड़ियां और 45,000 नई बाड़ियों पे सब्जियों का इस बरसात में उत्पादन होने वाला है। लगभग लगभग 2000 गांव के 80% जो घुरवा है उनका, आप मान लीजिए कि घुरवा में यदि चार ट्राली भी खाद निकलता है तो इतना 80% जो घुरवा है गांव में वो उस खेतों में पहुंच चुका है, कितना कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुका है। तो ये जो चीजें हैं ये धीरे धीरे गांव के, एक तरफ तो पूरी उत्पादन व्यवस्था को सुदृढ़ करेगा, दूसरा लागत में मूल्य को कम आएगा, और आपने देखा होगा कि जो खुले मवेशी थे उन खुले मवेशियों की वजह से क्या हो रहा था कि हमारा जो दूसरा फसल था, रबी का फसल था, खरीफ का फसल था, खरीफ की फसल में जो हम धान लगाते हैं, नर्सरी लगाते हैं और हम राहर लगाते हैं, ये सब जो है धीरे धीरे खत्म होते जा रहे थे। क्यों? रात को जानवर चर देते हैं। आज उत्तर प्रदेश से लेके दक्षिण भारत तक ये बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। छत्तीसगढ़ में हमारे हम लोगों ने यह तय किया कि 5 एकड़ का एक गौठान बनाएंगे और उस गौठान के भीतर जानवर सुरक्षित रहेगा, गांव की पुरानी परंपरा को पालन करते हुए अपने समय में निकलेगा और ठीक उस समय पहुंचेगा जो गोदिली बेला कहा जाता है, तो गांव में चरने की समस्या खत्म हो जाएगी। एक चीज ये समझना चाहूंगा आपसे, एक बड़ी दिक्कत जो है गांव में देखने में आ रही है, मैं भी शुरू से गांव से जुड़ा हूं, और जल संकट, जो अंडरग्राउंड वाटर है वो बहुत तेजी से नीचे जा रहा है। जैसे मेरे ही गांव में 6-7 साल पहले ये स्थिति होती थी कि जब बारिश का सीजन हो तो उस समय ऑटोमेटिक फ्लो होता था जो हैंडपंप है उससे, लेकिन अब जो है 200 फीट 250 फीट नीचे पानी आ रहा है। जल संरक्षण के लिए किस तरह से जो नरवा है, जो गांव का नरवा है, उसको संरक्षण के लिए क्या स्पेसिफिक प्लान है? खासतौर पे डॉक्टर रमन सिंह की सरकार के समय खूब एनीकट बनाए गए थे और उसके पीछे ये तर्क दिया गया था कि इससे भूजल का संरक्षण होगा और ज्यादा गांव के लोगों को पानी मिल पाएगा, सिंचाई के साधनों में वृद्धि होगी, इस तरह का कांसेप्ट था। उस कांसेप्ट से आपका कांसेप्ट कैसे अलग रहेगा, नरवा को कैसे बचाएंगे? देखिए नरवा जो है ना वो उन बड़े नालों को का फीडर चैनल होता है। नरवा 2 से 11 किलोमीटर का एक ऐसा चैनल होता है जिस चैनल के अंदर में यदि पानी को रोका जाए तो पानी धीरे धीरे रुक के रिस्क के उन बड़े बड़े नालों में पहुंचेगा जहां आपने एनीकट बनाया हुआ है। तो वो जो एनीकट है उसको धीरे धीरे पानी भी मिलेगा और वो स्थायी रूप से टिकाऊ स्ट्रक्चर में बदलेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं कि हम वो 211 किलोमीटर को ट्रीट नहीं करते और बरसात का पानी एकदम जाता है तो एनीकट को तोड़ देता है या उसे किनारे से रास्ता लेके निकल जाता है। दूसरा, एक जगह आप बांध बनाते हैं या एनीकट बनाते हैं, स्टॉप डैम बनाते हैं, उसका पूरा डाउन स्ट्रीम टूट जाता है, वहां पूरी तरह से सूखा हो जाता है। तो ये जो चीज है वो न केवल हम उसको एक नाले को लंबे तालाब में बदल देते हैं बल्कि उसके नीचे की इकोलॉजी को पूरा खत्म कर देते हैं। तो ये जो नरवा का है कॉन्सेप्ट, इसमें हमने छोटे छोटे नालों को अलग अलग ढंग से, खासकर उसमें अंडरग्राउंड डाइकिंग जहां पर फ्रैक्चर जोन है, उन फ्रैक्चर जोन्स को आइडेंटिफाई करके उसके बाद छोटे छोटे अंडरग्राउंड डाइकिंग किया है। एक छोटी सी करीब 5 फीट की जमीन के अंदर एक दीवार बनाएंगे मिट्टी की, कच्ची मिट्टी के लोंदे की,
तो वो पानी जो आ रहा है वो अपने आप जो है नीचे भूमिगत चला जाएगा और धीरे धीरे आगे जाके, क्योंकि नाला जो है ढलान में होता है, इसलिए वो आगे जाके वो फिर से पानी में रिस रिस के बहने लगेगा। तो नाला इस तरह से साल भर बहने वाला बनेगा और जो जिस नदी में आप बांध रहे हैं वो नदी में जो एनीकट है उसकी पुरानी मरम्मत कराएंगे तो हमेशा पानी भरा रहेगा। ये व्यवस्था है नरवा की। इसके लिए हम लोग इसरो के मैप का साइंटिफिक ढंग से एनालिसिस करके उसके एक कमेटी बनी है जो हर अलग अलग डीपीआर से जो बनेंगे उसका निरीक्षण करेगी और उसके बाद उसको मनरेगा के काम से हम पूरा करेंगे। क्या लगता है ये जो चार चिन्हारी है, चार में सबसे ज्यादा कठिन काम ये जल संरक्षण का होगा, नरवा जो संरक्षित करेंगे वो होगा? देखिए, गांव यदि जाग गया और उसने अपने कंधों में अपने हाथों में इन चीजों को उठा लिया तो कोई चीज बड़ी नहीं है भाई। हम ये पहली बार कोशिश ये सरकार कर रही है कि हम इसमें गांव की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करें। यदि गांव के लोग खड़े हो जाएं और बोले कि मेरा नाला है इसको मुझे वैसे ही करना जैसे मैंने बचपन में देखा है, अपने जानवरों को उसी तरह व्यवस्था करना जैसे मैंने बचपन में देखा है, तो फिर उसको वो करने में सरकार एक मदद कर रही है ना जी। और आप पहला मुख्यमंत्री देख रहे हैं जो गांव में जा रहे हैं तो अपनी मीटिंग चौपाल में ले रहे हैं जी। ठीक है, और वो भी चौपाल कहाँ ले रहे हैं? आपके आपके गौठान में ले रहे हैं जी। है ना जी। तो गाय जो है हमारे मुख्यमंत्री जी का और इस सरकार का एक आर्थिक मॉडल है और जो गांव का आर्थिक मॉडल था उसको उसी तरह से देखने की कोशिश हो रही है ना जी। तो चाहे नरवा का विकास हो, इसमें गांव की जिम्मेदारी भागीदारी जरूरी है, चाहे आपका गौठान की बात है इसमें हमारे राउत बंधुओं का, पहटिया बंधुओं का और हमारे इन लोगों के लिए एक ग्राम गौठान समिति बनी है, इसमें गांव के पटेलों का, न केवल सरपंच सचिवों का बल्कि पंचों का एक समिति बनी हुई है, ये सब लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना है। घुरुआ जो है इसको वापस हम ला के अपने अपने गाँव में जहाँ जहाँ जो सीपीटी बना हुआ है वहाँ पर जो महिला समूह काम कर रही है वो उसे वर्मी कंपोस्ट में तब्दील कर देगी जिसको हम लोग को सिर्फ एक रुपए में किसान को दे सकेंगे क्योंकि केवल छानने का खर्च है, किसान हर रोज अपने घुरों में जाके वो चीज नहीं कर सकता है, तो ये यहाँ पर महिला करेगी। इससे वजह से क्या होगा कि काफी अच्छा एक प्रोसेस बन रहा है, लेकिन इसमें गांव की भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। इसके लिए बड़ी मात्रा में युवा सामने आ रहे हैं, ये ऑब्जर्वेशन देखने में आया है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि युवा गांव के लोग देख रहे हैं कि ये जो बन रहा है उसमें काफी लोग भागीदारी अपनी सुनिश्चित कर रहे हैं। बस्तर से एक बहुत अच्छी रिपोर्ट आई कि एक गांव के लोगों ने कहा कि हम तो हर घर के लोग खुद अपने गरुए को चराने जाते थे, लेकिन आप गौठान बनाए तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि इससे हमारे तेंदू पत्ता तोड़ने का टाइम, हमारे खेती में काम करने का टाइम बचेगा, और उस समय में हमारे पास जानवर को देखने के लिए कोई नहीं रहता था, बंधे रहते थे या फिर कोई एक आदमी को जंगल लेकर जाना पड़ता था, तो ये बच जाएगा। तो ये जो चीज है ये हम गांव के क्वालिटी टाइम को, जो गांव का क्वालिटी टाइम है उसको सेव करके उसको उसको उत्पादन की एक श्रृंखला में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जी। एक चीज और समझना चाहूंगा, गांव में ये देखा गया है एक बड़ी समस्या, खासतौर पे इस प्रोजेक्ट पे जब से काम शुरू हुआ है, कि गौठान के लिए जमीन लेना है तो कई जगह काफी गोचर भूमि को जबरदस्त तरीके से बेजा कब्जा किया गया है और उसको पहले की सरकार ने वोट बैंक के चक्कर में ध्यान ही नहीं दिया था, वो कैसे चुनौती आ रही है आप लोग के सामने कि कई सारे गांव अभी तो शुरुआती तौर पे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कुछ गांव में गौठान का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन बहुत सारे गांव में इस तरह की दिक्कतें आ रही है कि जमीनों पे बेजा कब्जा है, जमीन नहीं मिल रहे हैं जो 5 एकड़ कम से कम चाहिए गौठान बनाने के लिए। देखिए, आप जो बात कर रहे हैं वो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि आप किसी भी गौचर भूमि में कब्जा नहीं कर सकते, और यदि कैसा भी कब्जा और कितना पुराना भी और कितने भी रसूखदार के द्वारा है तो उसको हटा देना चाहिए, ये तो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है जी। लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि गांव में किसी भी तरह का बलपूर्वक कोई ऐसा निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि गांव के लोग अपनी सभी तरह के बेजा कब्जा सहित सभी प्रॉब्लम को जब एक साथ जुड़ जाते हैं तो दूर करने में समर्थ हैं। हमको गांव को वापस जोड़ना है और उसके लिए हम लोगों को एक वातावरण तैयार करना पड़ेगा कि भाई देखिए, आपके गांव के जानवर हैं, आप वर्षों से रहे, आप उसको लक्ष्मी बोलते हैं, उसके चरने की जगह है,
आप दूसरी जगह चले जाइए, ऐसी कोई बात नहीं है, कम से कम इस जगह को छोड़ दीजिए। और एक बार गांव तैयार होता है तो मैंने बहुत सारे गांव उदाहरण देखा है। मेरे अपने गांव में 300 एकड़ का भेजा कब्जा था, लेकिन गांव वालों ने इकट्ठा जुड़ के फिर से उसको खाली किया और जानवरों को चरने के लिए जगह दिया। तो इस तरह से बातें होती रहती है, गांव यदि एक साथ जुड़ जाता है तो मेरा आज भी मानना है और मुख्यमंत्री साहब का भी मानना है कि वो अपनी समस्याओं का हल जो है स्वयं ढूंढ लेता है यदि उसको एक बाहर से सपोर्ट मिले और उसको ये लगे कि जो कर रहा है वो बड़ा मीनिंगफुल है और वो कानून सम्मत है। एक चीज और समझना चाहेंगे, गांव कई सारे गांव वाले मेरे से पूछते हैं कि गौठान की व्यवस्था किस तरह से रहेगी, ये अभी तक बहुत स्पष्ट नहीं है, उसको थोड़ा सा समझाइए हमारे दर्शकों को कि गौठान बनने के बाद उसमें किस तरह की, क्या क्या मेरे घर में, जैसे मेरे घर में प्रॉपर कोठा है, गौशाला है और व्यवस्थित तरीके से मैं अपने गायों को पालता हूँ, लेकिन यदि मैं चाहूँ कि मेरी गायें गौठान जाए और तो उसके लिए क्या प्रक्रिया होगी, इस थोड़ा सा इस प्रक्रिया पर प्रकाश डालिए। देखिए, गौठान जो है या नरवा है या घुरवा है या बाड़ी है, इसमें एक खासियत आप देखेंगे कि इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि आपके गांव के परंपरा को कहीं से वायलेट किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। हमें परंपरा क्या थी, आपके गांव की परंपरा यह थी कि सुबह पर्टिया या राउत गांव से गरुआ को ढील के ले जाता था और वो जो गांव में उसको ले जाता था, पहले तालाब में ले जाता था, तालाब में ले जाने के बाद जो है वो पहले पानी पिलाता था, पानी पिलाने के बाद वो जो चारा गाय वहां चारा गाह में ले जाता था और उसके बाद फिर नदी के किनारे किसी एक जमीन पे लाता था जहां पर वो बैठता था, अपना रोटी वोटी खाता था, बांसुरी वांसुरी बजाता था, जानवर बैठे बैठे रंभाती चरती थी, फिर थोड़ा सा चरती थी और उससे वो गोधूली वेला के समय में एक बहुत सुंदर समय होता था गांव में जब वो सब गांव को एक साथ लोग लेके आ रहे हैं, घंटियां बज रही हैं, गाय के खुर से धूल उठ रही है। तो उसके बाद क्या होता है, एक्चुअली गाय जब से गांव में पहुंची तो गाय जो है वो 3 से 4 घंटा रिमिनेटिंग में लेती है, पगुराती इसे बोलते हैं। तो उस पगुराने की प्रक्रिया में उसका पूरा खाना पच जाता है और वो जो खाना पचने का टाइम रहता है वो 4 घंटे का रहता है। आजकल क्या हो रहा है कि राउत जो है जगह नहीं है, बैठाने की जगह नहीं है, तो वो 1 बजे जो चराने के बाद अपने घर में ले जाके बांध देता है। अब वो जो गाय जो है 4 घंटे पगुराने के बाद 6 बजे जो है उसको प्यास लगने लगती है, भूख लगने लगती है, वो रंभाने लगती है। जब वो रंभाती है थोड़ी देर बाद किसान को लगता है कि इसको पानी पिलाना है, कहाँ मेरे पास पानी तो है नहीं, किसान को लगता है कि मेरे पास चारा भी नहीं है आज, तो उस समय फिर वो गाय को छोड़ देता है। फिर गाय पूरे गांव में घूमती है, या तो सड़कों में आ जाती है या फिर जाके चारा चरने लगती है, दूसरों का खेत को चर देती है। अभी ये जो 4-5 घंटे का समय है प्राइमरी प्राथमिक तौर पर, जब तक हमारे अपने चारागाह बहुत निर्मित नहीं हो जाते तब तक हमारे लिए डे केयर सेंटर है। अच्छा, यहाँ पर जानवर रहेगा, थोड़ा बहुत चारा है, खाएगा, पानी पीने के लिए बनी हुई है। कोई भी गौठान में 9 जगह चीजें बनी हुई है ना, और इन सब चीजों में वो वहाँ जाके वो करके वो धीरे 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 अपने घर की तरफ लौटेंगे। जी जी जी, है ना जी। तो इसमें क्या है, जानवर का और किसान का जो संबंध है निरंतर बना रहेगा। जी जी, यदि आप ये सोचेंगे कि गाय को आप ले जाके गौठान में छोड़ देंगे फिर रात को ले आएंगे, ऐसा नहीं होगा। आपका जो चरवाही है, आपकी जो सिस्टम है वो बना रहेगा। उसमें ये छोटा सा एक हमारा एड ऑन है, बाद में जब चारागाह बहुत विकसित हो जाएगा तो फिर धीरे 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 करके उसके वहां रहने के समय को हम बढ़ाएंगे। जी जी, घुरुआ का प्रबंधन किस तरह से करेंगे, क्या परंपरागत तरीके से जो घुरुआ जैसे गांव में होता है कि कोठार के एक कोने में घुरुआ होता है जहां पे तमाम जो एग्रीकल्चर वेस्टेज है उसको रखा जाता है और पानी में डुबा के उस तरह से साल भर किया जाता है, या स्मार्ट घुरुआ जैसे शब्द बहुत सुनते हैं हम, कैसा रहेगा थोड़ा सा इस बारे में बताइए। देखिए, आपके घुरुआ में क्या चीज जाता है, पहला पैरा जाता है, फार्म यार्ड मैन्योर जिसको बोलते हैं, वो पैरा पहले क्या होता था कि उसको ढक देते थे, मिट्टी से ढकते थे, अब आजकल वो ढकते नहीं है तो पैरा सड़ता है 2 साल में, तो आपका जो है वो पूरी तरह सड़ नहीं पाता और जो मीथेन निकलता है सड़ने से वो बाहर वायुमंडल में चला जाता है, वो ग्रीन हाउस गैस है, तो वैसे ही वह तकलीफ वाला मामला है, वो वहाँ के जलवायु परिवर्तन में ओजोन के लेयर में छेद करने वाला एक कारक है। तो हम लोगों ने क्या किया कि उसमें डाइजेस्टर डाला, कुछ ऐसे चीजें हैं वो डाले और उसको बोला कि उसको पलटा दो और ढक दो उसको पहले साल में। दूसरे साल में ये है कि जैसे आपका 1 महीने में पूरा हो जाता है, घुरुआ भर जाता है, आप उसको ले आइए, ला के जो आपका गौठान है उसमें लंबे लंबे 2 CPT है, ट्रेंचेज है, उन ट्रेंचेज में आप डाल दीजिए, अपना नाम लिख दीजिए, यहाँ से यहाँ तक मेरा है,
महिलाएं उसको वर्मी कंपोस्ट में, उनके पास वर्म्स है, उनके पास छाया है, उनके पास पानी है, वर्मी कंपोस्ट में बदल के दे देंगी। तो ये जो आपका जो ये है, एक रुपए में आपको वर्मी कंपोस्ट मिल जाएगा। तो घुरवा से वर्मी कंपोस्ट 10 गुना ज्यादा इफेक्टिव है। आपके जो यूरिया की, डीएपी की जो जरूरतें हैं वो लगभग लगभग आधी रह जाएंगी या लगभग लगभग खत्म हो जाएंगी। तो आप धीरे धीरे फिर उस स्मार्ट घुरवा से पूरे जैविक प्रोडक्शन की तरह आप एक रासायनिक और उर्वरक जहरीले रसायनों से मुक्त खेती की तरफ बढ़ेंगे। जी, एक आखिरी सवाल, चूंकि समय बहुत कम बचा है, ये जो बाड़ी का जो कॉन्सेप्ट है, बाड़ी जिसको कहते हैं, पुराने तरीके से कैसा भिन्न होगा नया जो आप लोग की सरकार काम कर रही है? मैं पहले किसान जो था पूरी खेती करने के बाद बाड़ी बोता था। अभी हम लोग ये कह रहे हैं कि हमारा वर्षा का जो समय है बहुत कम हो गया है। पहले 88 दिन का होता था, अब 57 दिन का हो गया है। तो जब आप बाड़ी बोओगे उसका जब आपके खेत में मतलब बाड़ी में सब्जी फूलती है तब ऊपर की बारिश बंद हो जाती है तो आपको कुछ नहीं मिल पाता है। तो हम ये कह रहे हैं पहले आप बाड़ी बोलो, ये आप बीज रखो, आप अपने खेत को जोत, बाड़ी को जोत लो पहले, फिर खेत में उतरो। तो आपको अच्छा लगेगा कि 2000 गांव में 45,000 नई बाड़ियां बनी है, 75,000 उसके अतिरिक्त आसपास के गांव में 75,000 पुरानी बाड़ियों पर काम हुआ है। तो ये जो 1,20,000 के आसपास जो बाड़ियां हैं उनमें बीज पहुंच रहा है, उनको हम थरा की व्यवस्था कर रहे हैं ताकि उन्हीं के किसानों में से अच्छा थरा उगा के हम वहां उनको 1 जुलाई से 10 जुलाई के बीच पहुंचा सके ताकि पूरे मानसून का उपयोग करके अच्छे से अच्छी सब्जी उसको मिल सके। तो क्योंकि वो बाड़ी में एक खासियत ये है कि वो बहुत ही अच्छा शानदार बिना किसी रासायनिक दवाइयों के, बिना उर्वरक के एकदम नेचुरल जैविक उत्पादन होता है, भाजियों का उत्पादन होता है जो आपके महिलाओं और बच्चों के कुपोषण को पूरी तरह जो उसे त्रस्त है दूर करता है। जी जी, तो निश्चित तौर पर ये जो प्रोजेक्ट है नरवा गरुवा घुरुवा और बारी निश्चित तौर पर गेम चेंजर साबित होगा, जिस तरह से खास तौर पर शुरुआत से ही जब से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शपथ ली है और उसके बाद से ही ये जो चार चिनारी, जैसा कि पहले आशंका जताई जा रही थी कि ये केवल नारा ही रहेगा और इस पर काम नहीं होगा, लेकिन जिस प्राथमिकता के साथ इस पर काम हो रहा है उम्मीद की जानी चाहिए कि इससे छत्तीसगढ़ के गांवों की तस्वीर बदलेगी, दिशा बदलेगी और जो गांव में खुशहाली, जो कि बीच में देखने में आ रहा था कि खुशहाली वहां से नदारद हो रही थी, वो खुशहाली फिर से लौटेगी। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका प्रदीप जी, किसी दिन और इस विषय पर और चर्चा करेंगे जैसे जैसे इसमें काम आगे बढ़ेगा। बहरहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वापस चर्चा के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप शर्मा जी और सांसद मनोज बघेल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।